नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। अभी तक तो टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर बेबाक तरीके से राज कर रही थी, शासन कर रही थी, लेकिन अब अपने चौथे हफ्ते में, फोर्थ वीक में उसे टक्कर मिल सकती है तीन फिल्मों से। तीन फिल्में कौन सी रिलीज हो रही है 12 तारीख को, मैं बताता हूं। पहली फिल्म है सैफ अली खान की कालाखांडी, जो कि एक डार्क ह्यूमर फिल्म लग रही है। आप देख सकते हैं इसके ट्रेलर में, आपको पसंद आएगी ये फिल्म क्योंकि इसका थोड़ा सा अनयूजुअल थीम है। दूसरी फिल्म है दोस्तों अनुराग कश्यप की मुक्काबाज। अब अनुराग कश्यप जब भी फिल्म लाते हैं ना, उनकी फिल्में हिट होती हैं, स्मॉल बजट की होती हैं, लेकिन उसे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है। तीसरी जो फिल्म रिलीज हो रही है दोस्तों, वो हॉरर जॉनर की हो रही है, 1921 जो है दोस्तों 1920 के अगले पार्ट्स में आता है, और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं वो है विक्रम भट्ट साहब। विक्रम भट्ट जिन्होंने हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को राज जैसी फिल्म दी। तो अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा है ना कॉम्पिटिशन होने वाला है। टाइगर जिंदा है को फोर्थ हफ्ते में, फोर्थ वीक में टक्कर मिल सकती है इन तीनों फिल्मों से। क्यों? क्योंकि जो अभी तक का स्क्रीन काउंट है टाइगर जिंदा है का, वो 2000 से लेकर 2500 तक का है। तो ये स्क्रीन काउंट कम होगा, इन फिल्मों को स्क्रीन काउंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइगर का जो बिजनेस है वो सफर हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, थोड़ा सा जो भी लगता है समझ के बूझ के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने इस फिल्मी आरा को जरूर बताना, क्योंकि ये फिल्मी आरा सिर्फ आपके कमेंट्स के लिए ये वीडियोस बनाता है और आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करता है। तो कमेंट करें फटाफट, एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद राहुल भोज।